ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 70ਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। देखो आज 70वीं सीनियर बास्केटबॉल दा टूर्नामेंट है और मैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया पंजाब दी बास्केटबॉल फेडरेशन नू सारयां नू बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहुंदा है। खासकर जिहड़े साडे सैकटरी जनरल ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया दे श्री चंद्रमुखी शर्मा जी, साडे प्रधान ने गोविंद राज जी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया दे, इन्हां ने बहुत हमड़ा मारिया है और बास्केटबॉल नू पिछले कुछ वरियां च पूरे मुल्क च बहुत मजबूत किया है। बहुत बधाई पंजाब दी टीम नू, मुंडे बहुत चंगा खेडे और दे डिजर्व टू विन, उन्हां नू बहुत बहुत मुबारक। ऐदा है कि थानू सवाल ये पूछना चाहिदा सीगा कि हिंदुस्तान दे वित्तीय हालात कहे जे ने। पिछले 5.5 साल दे विच हिंदुस्तान दी अर्थव्यवस्था नू जिहड़ी केंद्र सरकार है उन्हें पूरी तरह डुबा दिया है और उहदा असर पंजाब ते भी पिया, बाकी सूबियां ते भी पिया है। जदों केंद्र सरकार पंजाब दा GST 3-3 महीने नहीं देगी, जिहड़े कमिटमेंट कीतियां ने कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स ने स्टैचूटरी कमिटमेंट्स ने वह फुलफिल नहीं होणगियां ते ऑबवियसली उस चीज़ का असर तो पंजाब की अर्थव्यवस्था से भी पेगा। अपना बादल साहब नूं कहना चाहिए है सुखबीर बादल जी नूं कि निर्मला सीतारमण नूं कहण पंजाब दे पैसे देने शुरू कर।